मैंने कभी सोचा नहीं था कि मतलब लाइक मैं कुतुब मीनार भी जाऊंगा घूमने के लिए, बट आज फाइनली कुतुब मीनार पे हूँ। सुबह के 3:40 हो चुके हैं एंड अभी हम जा रहे एयरपोर्ट। दोनों से जस्ट कुछ समय पहले मिला, फिर भी काफी ज्यादा अच्छा लगा। तो ये अभी जस्ट लिया और इसका आपका 40 रुपीज पर है एंड पहली बार आई हूं बट मुझे बहुत अच्छा लगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक और नए ब्लॉग में। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि मैं कहाँ पर हूँ। तो वैसे बता दूँ, इस वक्त मैं हूँ दिल्ली एंड दिल्ली आया हूँ आज ना बहुत लेट से भी, सुबह 12 बजे, क्योंकि कल रात को पूरा पार्टी चला था हमारे यहाँ पर। तो सुबह 5 बजे सोया एंड उसके बाद 12 बजे। फिलहाल अभी हम लोग सब रेडी होकर, मैं एक्चुअली फ्रेश अप भी नहीं, बस लेट से उठा एंड उसके बाद सडनली प्लान बना कि चलो घूमने जाएंगे। तो यहाँ पर आने के साथ कुछ नए दोस्त मिले हैं, वहाँ पर मोनू बैठ चुका है और इस गाड़ी में भी हम जा रहे हैं और कहाँ कहाँ जा रहे सब आपको घुमाते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। आप सपोज दिल्ली आते हो और दिल्ली में आकर अगर ट्रैफिक का आनंद नहीं लेते तो भाई दिल्ली आने का कोई मतलब ही नहीं होता। और यहाँ पर हम 10 से 15 मिनट वेट कर रहे हैं, कब ट्रैफिक मतलब ट्रैफिक ये खुलेगा और हम जाएंगे अपने डेस्टिनेशन। वैसे अभी हम लोग का प्लानिंग है फर्स्ट जाने का कुतुब मीनार एंड उसके बाद कहाँ जाएगा पता नहीं, एंड उसके बाद जाएंगे लोटस टेम्पल। अच्छा, आज ही सब कवर करना है क्या? हाँ, तो कल को सुबह निकलना है ना यहाँ से। ओके, और जहाँ भी आज जाने वाला हूँ ना, मोर टाइम। ओके, जहाँ भी आज हम जाने वाले हैं ना, सब जगह मैं लाइफ में फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। बट यही एक चीज़ का कमी है ना, मैं मतलब सडनली चला गया था वहाँ पर ब्रेकफास्ट करने के लिए एंड उसके बाद तैयार नहीं हो, बस ऐसे जा रहा हूँ। बट स्टिल आई एम लुकिंग हैंडसम, ट्रैफिक खुल चुकी है एंड अब जाके सुकून मिल रहा है। तो वी ऑलमोस्ट रीच आवर डेस्टिनेशन और कुतुब मीनार यहाँ से आपका ज्यादा दूर है, उस तरफ है। तो हमने यहाँ पर जस्ट आया है कार पार्क करने के लिए, कार पार्क करेंगे देन उसके बाद यहाँ से जाएंगे कुतुब मीनार। कितना समय लगेगा यहाँ से जाने? ये पास में है, ये वाला पार्क है। अच्छा, इधर ही है ना। ओके, यहाँ से तो कुछ दिख नहीं रहा एक्चुअली, क्या ना यहाँ पर आपको बहुत सारे पेड़ वगैरह ना जिसके वजह से ढक चुका है। खैर, कैसा कुतुब मीनार है वो भी मैं फर्स्ट टाइम देखूंगा और आपको भी दिखाऊंगा। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और आप हो कि नहीं हो काफ़ी जानते हो, तुम पहले आए हो यहाँ पर? और ये पहले आ चुका है फिर भी बोल रहा है कि कुतुब मीनार ही देखना है, उसके बाद लोटस टेम्पल ना। हाँ, लोटस टेम्पल का प्लान है, देखते हैं उसका समय होगा कि नहीं, वो 5 बजे बंद हो जाए ऐसे बोलते हैं। लेट्स सी क्या होता है, जो भी होगा आपको देखने को मिलेगा। दिल्ली में वैसे मेरा फर्स्ट टाइम है और मोनू यहाँ पर पहले भी आ चुका है एंड यहाँ पर आने के साथ ना मोनू के बहुत सारे नए नए दोस्त आए हैं यहाँ पर और उनके साथ मुझे भी मुलाकात हुआ है, तो मैं उनसे भी आपको मुलाकात करवा देता हूँ। सो ये रहा, और भैया है यहाँ पर, एक यहाँ पर आए हैं नहीं और ये तो आपको जानते हैं इसको और एक और नए भैया जो कि मोनू बताएगा कौन कौन है, मैं तो नहीं जानता, आप बता दो। दोनों बहुत ही ऐसे दोस्त है और बहुत ही ऐसे दोस्त है बस और पहले भी हम लोग एक साथ मिले हैं और आज भी मिल रहे हैं, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा, तो आज बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करेंगे एक साथ। अच्छा, और इन भाई के साथ तो मैं मॉर्निंग में मिला था, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, और इन दोनों से जस्ट कुछ समय पहले मिला फिर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। कुछ समय बिताया फिर भी अपना जैसा लगा थोड़ा भी, मतलब लाइक ऐसे नहीं कोई नया नया मिलता है ना तो हाँ भाई थोड़ा सा एटीट्यूड वगैरह, कुछ नहीं, काफ़ी अच्छा लगा एंड थैंक यू सो मच हमारे साथ। मोस्ट पॉपुलर ब्लॉगर, ब्लॉगर सभी लोग ब्लॉगर है बस भैया के छोड़ के ना, भैया आप भी स्टार्ट कर लो। चलो कोई नहीं, फिर चलते हैं। हाँ चले भैया। है आपका कुतुब मीनार का गेट एंड आपको पता है कि अगर आप कोई भी मतलब दिल्ली में टूरिस्ट प्लेस में जाते हो तो वहाँ पर आपको ऑलरेडी पे करना पड़ेगा। सो हमने जस्ट एक टिकट नहीं इसको बोल सकते, ये कॉइन है, तो ये अभी जस्ट लिया और इसका आपका 40 रुपीज़ पर है एंड ये दिखाएंगे एंड उसके बाद हम जाएंगे अंदर कुतुब मीनार के अंदर। ओ भाई साहब, मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ देखने के लिए। आपका एंट्री गेट जहाँ हमने जस्ट चेक इन किया है और यहाँ पर ना आपको गिम्बल वगैरह कुछ भी अलाउ नहीं करते, जस्ट फ़ोन और कैमरा वगैरह शायद अलाउ नहीं करते, मुझे भी नहीं पता। खैर, जो भी हो थोड़ा बहुत आपको रिकॉर्ड करके दिखाएंगे एंड ये कुछ नज़ारा आपको एंट्री के समय देखने को मिलेगा एंड अब चलते हैं अंदर। अभी हम एंटर किए हैं, कुछ ऐसा प्रकार आप देख रहे हो कुछ ऐसे इसके अंदर आया हूँ और ठीक यहाँ से आपको देखने को मिलेगा कुतुब मीनार। वाओ, कितना खूबसूरत लग रहा है ना। सो वैसे ही उस तरफ से बाहर से रास्ता जाने के लिए देखने के लिए, बट हम सबसे पहले इधर एंटर किए, इधर क्या है वो देख रहे हैं और थोड़ा बहुत आपको भी दिखा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है और सभी लोग यहाँ पर है। मज़े से भाई साहब, फर्स्ट टाइम देख रहा, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा। और ये चीज़ को देखने के लिए तो भाई एकदम ऐसे करते हैं, ऐसे करके देखो इतना ऊँचा है, खास उसके ऊपर भैया उसके ऊपर चढ़ने का भी ऑप्शन है क्या? पहले था, अब नहीं, पहले जाने देते थे, अब नहीं आने देते। हाँ, अब कहाँ, पर कितना मस्त लग रहा है ना, देखो भाई साहब। ये आपका तो कुतुब मीनार और यहाँ पर आप एक पिलर देख रहे हो ना, सो बेसिकली ये आयरन है और यहाँ का इसका एक खासियत क्या है ना भैया, आप थोड़ा सा बता दो तो आपको ज़्यादा
जानकारी है इसके बारे में ना, इस पिलर के बारे में? इसमें ना जंग नहीं लगता, जंग नहीं लगता। ये कैसा मटेरियल है, मतलब लोग खोजते हैं इसको, साइंटिस्ट लोग भी नहीं पता, पर इसमें जंग नहीं लगता। जबकि बारिश होता है, सब कुछ रहता है, इसमें जंग नहीं लगता। अभी के समय में तो किसी में भी लग जाता है। बड़ी भाई, भाई साहब कितना मस्त लग रहा है। इतने बिल्डिंग्स वगैरह देखने का अलग ही, और सारे बिल्डिंग्स जो भी देख रहे हो ना सारे पत्थर के। सोचो तो पहले ज़माने वाले जो मतलब जो भी बनाने वाले थे ना भाई साहब, उनका मतलब पढ़े लिखे नहीं थे फिर भी कितना स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग बना था आज के ज़माने तक है भाई साहब। और अभी वाले बिल्डिंग्स वगैरह देखोगे ना तो भाई बस ज़्यादा से ज़्यादा हार्डली आपके 10 से 15 साल चलेंगे, उसके बाद उसका क्रेक हो गया, टूट गया, वैसे होता है। बट ये सब स्ट्रक्चर देख सकते हो भाई साहब, आई हाय ऐसा लग रहा है जैसे दिल गार्डन गार्डन हो गया। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मतलब लाइक मैं कुतुब मीनार भी जाऊंगा घूमने के लिए, बट आज फाइनली कुतुब मीनार पे हूँ। कुतुब मीनार से भी खड़ा मैं हूँ। तो भाई बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, एंड लग नहीं रहा है कि हाँ मतलब यहाँ पर आया, ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई सपना देख रहा हो। एंड फाइनली मैं हूँ अभी कुतुब मीनार के पास भाई साहब। बस वहाँ पर टच करने को नहीं मिलेगा क्योंकि वहाँ पर आपको बाउंड्री देख रखा है, तो समझ रहे हो बाउंड्री के अंदर जाओगे तो फिर अलग से एक कहानी बनेगा। बट जो भी हो एटलीस्ट मैं पास से देख रहा हूँ, वही सबसे बड़ी बात है। बहुत मज़ा आ रहा है। आपको कैसा लग रहा है? आप तो यहीं से हो फिर भी आप यहाँ पर नहीं, कभी नहीं आए तो? पहली बार आई हूँ बट मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ बहुत अच्छा है। और यहाँ पर पब्लिक भी बहुत सारे है ना, काश इतने पब्लिक्स मेरे दुकान पर आते तो आज क्या हो। हर तरफ बिजनेस का बात कर रहा हूँ भाई साहब, कितना मस्त लग रहा है। बहुत सारे बिल्डिंग्स वगैरह दिख जाएंगे जैसे कि आप देख रहे हो, जो कि थोड़ा बहुत टूटा वगैरह है, बट जो भी भाई कितना अच्छा लग रहा है। सो कुछ ऐसे कंस्ट्रक्शन आपको देखने को मिलेगा। इधर आपका कुतुब मीनार है जो इस वाल के वजह से ढक चुका है, और ये आपका एक गेट जो कि ये भी थोड़ा सा टूटा हुआ, थोड़ा नहीं पूरा ही टूटा हुआ है। और उस तरह में आपको देखने को मिलेगा पार्क टाइप में जहाँ लोग बैठते हैं एंजॉय करते हैं, तो वैसा ही कुछ नज़ारा है यहाँ पर आपको। और उस तरह में भी देख सकते हो कुछ बिल्डिंग वगैरह, उधर में बिल्डिंग वगैरह वैसे, बट यहाँ पर एक पहले गेट हुआ करता था, आई एम श्योर ये टूट चुका है। और जैसे ये है ना, ये तो आपको साइड वाला तो छोटा, ये बड़ा वाला, और उधर में भी एक गेट है काफी अच्छा है। रील्स बनाने का ये लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, एंड देखते हैं कि इनका रील्स कैसा होगा। जो भी रील्स होगा तो उसके इंस्टाग्राम में देखने को मिल जाएगा। और मेरा रील्स वगैरह क्या होता है, मैं तो जस्ट लिप सिंक करता हूँ, हाँ बस ऐसे ही, मेरा डांस वगैरह तो कुछ भी नहीं आता। यहाँ से आपको पूरा कुतुब मीनार देखने को मिलेगा, और ये देखने के बाद ऐसा लगता है जैसे कि कोई पेंटिंग करके रखा है, क्योंकि बैकग्राउंड में आपका पूरा प्लेन है ना, तो ऐसा लग रहा है जैसे पेंटिंग करके रखा है। और कितना मस्त लग रहा है भाई साहब। और इसका हाइट कितना आज तक मुझे भी नहीं पता, एंड इसके बारे में मैंने जानकारी भी नहीं किया भाई, फिर भी आपको पता ही होगा क्योंकि कुतुब मीनार के बारे में तो सभी लोगों को पता है। बस मैं अपना तरफ से दिखा रहा हूँ कि हाँ कुतुब मीनार को प्रेजेंट कर रहा हूँ कैसा दिख रहा है। और इस तरह में भी आपको बहुत सारे बिल्डिंग्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे जो कि आप देख ही रहे हो यहाँ पर सामने, और यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही है दोस्तों। ये जो आप देख रहे हो सारे पत्थर के बने में, तो मेरा एक सवाल है भाई साहब, बीच बीच में मैंने देखा था कुछ सीमेंट भी यूज़ किया, भाई कौन सा सीमेंट यूज़ किया है जो अभी तक नहीं टूटा? मैं ऑलमोस्ट 35 मिनट्स अपना टाइम स्पेंड कर चुका हूँ, और इस 35 मिनट्स के अंदर ना नहीं होने से भी ना मुझे कम से कम 25 से लेके 20-30 तक मान लीजिए प्लेन देखने को मिला है, क्योंकि यहाँ पर पास में एयरपोर्ट पड़ता है, और जो भी प्लेन वगैरह आ रहे हैं ना सब उस तरफ से आ रहे हैं, इस तरफ से जाते हैं टेक ऑफ और लैंडिंग करने के लिए, इधर जाते हैं। भाई साहब इतने ज़्यादा प्लेन देख के कैसा लग रहा है, मतलब लाइक एक हमारे तरफ तो क्या प्लेन का डाबर ही सारे, और यहाँ पर प्लेन ही प्लेन, गाड़ी से ज़्यादा तो प्लेन ही दिखा हमें। आपको शाम हो चुका है, और यहाँ पर अभी भी टूरिस्ट बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे, और कुछ विदेशी टूरिस्ट भी हमें देखने को मिला, इतना ज़्यादा नहीं बट जितना भी थोड़ा बहुत देखा। और यहाँ पर आपका पार्क, और पार्क के सामने आपको यहाँ पर कुतुब मीनार जो कि हम देखने के लिए, और इसको देख रहे कम से कम नहीं होने से भी आधे घंटे से ज़्यादा हो चुके इसको देख ही रहे। और इसके सामने आपको यहाँ पर कुछ मस्जिद जैसा देखने को मिलेगा, एंड ये थोड़ा बहुत आपका कंस्ट्रक्शन जो कि ठीक है, बट यहाँ में कुछ मैंने पहले दिखाए थे वो थोड़े टूटे हुए थे, बट इसका बट मेरे पास है ना अभी भी एक सवाल है भाई, ये कौन सा सीमेंट यूज़ करके इतना मजबूत बना कि भाई टूटे नहीं? और देखो और एक प्लेन आ चुका है, कितना काउंटिंग करें भाई, काउंटिंग करने से भी मुश्किल है। और सभी लोग उधर में मस्ती से फोटो वगैरह क्लिक कर रहे सभी बैठ के, और मैं अकेला इधर वो लोग अपने में लगे हुए हैं और मैं अपना में लगा हुआ हूँ। इसका ये दिन पूरा सुपर रहा, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, और यहाँ पर काफ़ी समय हमने स्पेंड भी किया जो कि एक मेमोरीज भी है, और एक तरह से जो वीडियो बन रहा है वो हमारे लिए मेमोरीज भी, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। फिलहाल अभी यहाँ से जाने का समय हो चुका है, और उनका अभी भी शूटिंग वगैरह चल रहा है, रील्स बना रहे हैं। अब भैया आप लोगों के साथ समय बिता के बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। अब वैसे अभी और कहीं जाने का प्लान है या अभी जाना डायरेक्ट रूम?
देख सर प्लानिंग तो करते इंडिया गेट जाने की, कहाँ की बनती फाइनल उस हिसाब से। तो इंडिया गेट के तो 5 बजे तक टाइमिंग रहती रहता है। अच्छा लोटस टेम्पल का, इंडिया गेट का तो रात में रहता है ना, वो देखते हैं। वैसे प्लानिंग था हम लोग का लोटस टेम्पल भी जाने का, बट वो अगर वो तो एक्चुअली 5 बजे तक रहता है तो वो बंद हो जाएगा, तो फिर वहाँ जाकर कोई फायदा नहीं है। तो इंडिया गेट भी जा सकते हैं, वो तो देखा जाएगा। फिलहाल ना गाइस अभी शाम के 5:30 गए हैं ऑलमोस्ट, यहाँ पर अभी भी रोशनी है, बट हमारे यहाँ तो रोशनी रहता ही नहीं है, 4 बजे करीब ही खत्म हो जाता है। एंड प्लस अभी क्या है ना, हल्का हल्का ठंडा भी लगने लगा है, ऐसे टी शर्ट में घूम रहा हूँ। और सभी लोग अभी देखे गरम गरम कपड़े पहने, एक्सेप्ट मोनू मैं और भैया लोग 3-4 लोगों ने भाई ऐसे शॉर्ट्स पहन के, ठंडा भी लग रहा है, कर भी क्या सकते हैं। आज का दिन तो पूरा एंजॉय करना है, क्योंकि ये वाला जो मोमेंट चला जाएगा उसके बाद तो फिर आने। गुड मॉर्निंग जी, अभी आपके सुबह के 3:40 हो चुके हैं एंड अभी हम जा रहे हैं एयरपोर्ट। हमारी फ्लाइट है यहाँ से आपका डिब्रूगढ़, मतलब लाइक दिल्ली से डिब्रूगढ़ की, और जो फ्लाइट है हमारी मॉर्निंग की 8 AM को। सो हमें जल्दी जाना पड़ेगा क्योंकि 2 घंटे पहले जाने पड़ते हैं। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा क्राउड होता है ना, जिसके वजह से भाई एडवांस में जाना पड़ेगा। यही अगर आपका डिब्रूगढ़ में होता तो इतना ज़्यादा जरूरत नहीं, क्योंकि वहाँ पर पब्लिक कम रहते हैं तो आराम से चेक इन वगैरह सब समय से हो जाता है। बट यहाँ तो अभी दूर भी है प्लस, एंड उसके बाद आपका चेकिंग का समय भी लगेगा। सो इसलिए अभी हम पूरा रेडी वगैरह हो चुके हैं एंड अब जा रहे हैं हम एयरपोर्ट के लिए। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही, एंड आपको ये व्लॉग कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं, एंड जल्द मिलेंगे और एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।